हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। विज्ञान एक्सप्रेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। और आज का हम लोग वीडियो शुरू करें उससे पहले चंद पंक्तियाँ आप लोगों के लिए। लाइट टुमारो विथ टुडे, क्या कहा मैंने? लाइट टुमारो विथ टुडे, जो आज है उसको पहचानिए। आज मेहनत कर लीजिए तो कल तुम्हारा होगा, ये ध्यान रखना। आज यदि तुम यहाँ पर हो तो कल यहाँ पर होगे, लेकिन शर्त यह है कि आपको आज का अपना दिन सुधारना होगा। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ में आज का वीडियो शुरू करते हैं। एंड दैट इज द साइटोकाइनिन, एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट फाइटो हार्मोने, यानी कि प्लांट हार्मोने, जिसका कि नाम है साइटोकाइनिन, जिसको कॉमनली हम लोग सीके के नाम से भी जानते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, साइटोकाइनिन वाज डिस्कवर्ड बाय, साइटोकाइनिन की खोज किसने की? तो साइटोकाइनिन की जो खोज है वो मिलर व शुग ने की। मिलर और शुग ने साइटोकाइनिन की खोज की। केमिकल नेम ऑफ काइनेटिन क्या है? काइनेटिन का रासायनिक नाम, काइनेटिन का रासायनिक नाम, काइनेटीन का रासायनिक नाम क्या है? तो काइनेटीन का जो रासायनिक नाम है वो है 6-फर्फ्यूरिल, 6-फर्फ्यूरिल अमीनोप्यूरिन, 6-फर्फ्यूरिल अमीनोप्यूरिन, याद रखोगे 6-फर्फ्यूरिल अमीनोप्यूरिन, ये उसका केमिकल नेम है। साइटोकाइनिन टर्म गिवन बाय, देखो खोज तो किसने की थी? मिलर और शुग ने, लेकिन साइटोकाइनिन नाम किसने दिया था? तो नेम वाज गिवन बाय लिथेम, लिथेम ने ये साइटोकाइनिन नाम दिया था। डू काइनेटिन अकर नेचुरली इन प्लांट्स? क्या काइनेटिन प्राकृतिक रूप से पादप में पाया जाता है? प्राकृतिक रूप से पादप में पाया जाता है? वापस से बोल रहा हूं, क्या काइनेटिन प्राकृतिक रूप से पादप में पाया जाता है? नो, इट इज नॉट फाउंड इन प्लांट्स, ये ध्यान रखना, ये प्लांट्स में नेचुरली नहीं पाया जाता है। फर्स्ट नेचुरल साइटोकाइनिन, प्रथम प्राकृतिक साइटोकाइनिन, और ये भी ध्यान रखना वो सबसे ज्यादा मात्रा में भी पाया जाता है, वो कौन सा है मालूम है? जियाजेंथिन, जिया राइट, जिएटिन, सॉरी जिएटिन, कौन सा होता है फर्स्ट नेचुरल साइटोकाइनिन? कौन सा है? जिएटिन है, और ये कॉर्न कर्नल से निकाला जाता है। कॉर्न कर्नल मतलब है ना, मेज से प्राप्त करते हैं, और ये बहुत ज़्यादा एबिंडेंट क्वांटिटी के अंदर प्राकृतिक साइटोकाइनिन है। ठीक है, मेजर साइट ऑफ साइटोकाइनिन सिंथेसिस मतलब पादप में मुख्यतः साइटोकाइनिन का संश्लेषण कहाँ होता है? क्या कहा मैंने? मेजर साइट ऑफ साइटोकाइनिन सिंथेसिस तो कहां पर होता है? रूट में होता है, मूल में, मूल या मूल शीर्ष के अंदर साइटोकाइनिन का सिंथेसिस होता है, याद रखना। हार्मोन विच हेल्प टू ओवरकम एपिकल डोमिनेंस मतलब कि शीर्ष प्रमुखता को दूर करने वाला हार्मोन। आप सब जानते हैं कि शीर्ष पे जब तक ऑक्सीजन है तब तक पार्श्व कलिकाएं एक्सिलरी बड्स ग्रो नहीं कर सकती है, लेकिन आप चाहते हो कि ऑक्सीजन प्रेजेंट हो उसके बावजूद भी एक्सिलरी बड्स भी ग्रो कर जाए प्लांट के अंदर, तो फिर आपको साइटोकाइनिन का स्प्रे करना पड़ेगा। साइटोकाइनिन जो होता है इट हेल्प्स टू ओवरकम एपिकल डोमिनेंस मतलब ये शीर्ष प्रमुखता को दूर करता है।
ठीक है। साइटोकाइनिन इज डेरिवेटिव ऑफ विच बेस? साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन किस क्षार का व्युत्पन्न है? किस क्षार का व्युत्पन्न है? साइटोकाइनिन इज डेरिवेटिव ऑफ विच बेस? तो याद रखना उसका आंसर है एडिनाइन, जो कि एक प्रकार का प्यूरीन बेस है। ठीक है, प्यूरीन बेस या क्षार है। ठीक है, एडिनाइन। तो साइटोकाइनिन इज डेरिवेटिव ऑफ विच बेस? साइटोकाइनिन किस क्षार का व्युत्पन्न है? तो एडिनाइन का। मेन फंक्शन ऑफ साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन का मुख्य कार्य क्या है? तो साइटोकाइनिन का जो मुख्य कार्य है, मेन फंक्शन है साइटोकाइनिन का, वो क्या है? सेल डिवीजन, सेल डिवीजन को प्रमोट करना इसका मुख्य काम है। कोशिका विभाजन को प्रेरित करना, वैसे तो बहुत सारे फंक्शन होते हैं लेकिन ये इसका मुख्य काम है। डिले ऑफ सेनेसेंस है ना, मतलब जीर्णता में देरी, जीर्णता में देरी, और इसको हम रिचमोंड लैंग इफेक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? रिचमोंड लैंग इफेक्ट, रिचमोंड लैंग इफेक्ट। और इसके लिए, जीर्णता में देरी लाने के लिए, मतलब यदि आप चाहते हो कि प्लांट्स के अंदर सेनेसेंस ना आए, तो आपको क्या कर देना है? साइटोकाइनिन को स्प्रे कर देना। साइटोकाइनिन जीर्णता में देरी लाने वाला हार्मोन है। मॉर्फोजेनेसिस, याद रखना हाई साइटोकाइनिन और लो ऑक्सिन का जो रेशियो है बेटा, जानते हो वो क्या करवाता है? शूट डेवलप, शूट बनता है, प्ररोह का डेवलपमेंट हो जाता है, प्ररोह विकास। और यदि लो सीके और हाई क्या हो जाए? ऑक्सिन हो जाए, तो रूट डेवलप हो जाएगा, मूल विकास। और यदि दोनों इक्वल कंसेंट्रेशन में हो गए, यदि दोनों इक्वल कंसेंट्रेशन में हो गए, मतलब जितना साइटोकाइनिन है उतना ही हमने ऑक्सिन ले लिया, तो रूट और शूट दोनों क्या करेंगे? ग्रोथ करेंगे। इसको हम बोलते हैं मॉर्फोजेनेसिस। इसको हम क्या बोलते हैं? मॉर्फोजेनेसिस। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन साइटोकाइनिन के ऊपर। हम लोग रोजाना एक वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं, जिसमें कि मैं कुछ इम्पॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट निकाल कर आपको बताता हूँ मैं। तो ये वाले जो वीडियोस जो विज्ञान एक्सप्रेस में आ रहे हैं, ये क्विक रिवीजन के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। आने वाले एग्ज़ाम्स के अंदर इसको आप ज़रूर कंसल्ट कर सकते हैं। लगभग 115 वीडियोस के आसपास आ चुके हैं इसके अंदर, और ये आपकी सक्सेस के अंदर एक बहुत बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। तो इन्हें ज़रूर देखिए, खुद भी देखिए और दूसरों को भी दिखाइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, हम कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में विज्ञान एक्सप्रेस में, ठीक 11 बजे।